अलग अलग हिस्सों में। सो हेयर वी हैव एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में एम है, एम क्या, व्हाट इज द एम, ये हम क्यों कर रहे हैं, टू एग्जामिन दैट ग्रीन लीव्स फॉर्म स्टार्च, ये देखने के लिए कि जो हरी पत्तियां हैं वो स्टार्च बनाती हैं। व्हाट डू यू नीड, बीकर, अ लीव, वाटर, बर्नर, एल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक बीकर चाहिए, एक पत्ती चाहिए, फिर पानी चाहिए और ऐसे बर्नर चाहिए, देन यू नीड एल्कोहल एंड आयोडीन, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ फ्रेश ग्रीन लीव फ्रॉम एनी प्लांट एंड कीप इट इन द सनलाइट फॉर क्वाइट सम टाइम टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले एक फ्रेश हरी पत्ती आप किसी भी पेड़ से ले लीजिए और उसको धूप में रख दीजिए कि पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए, मतलब वो जो काम करते हैं ना खाना बनाने का, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फाइन। देन रिमूव द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ बाय बॉइलिंग द लीफ इन वाटर। तो आपको उसका ग्रीन कलर को हटाना है, कैसे हम हटाएंगे, उस लीफ को वाटर में डाल देंगे, वो क्या हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अगर आप उसको कम से कम 5 मिनट तक बॉयल करेंगे तो उसका ग्रीन कलर चला जाएगा। एंड देन बॉयल इन एल्कोहल फॉर सम टाइम, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आपको एल्कोहल थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है। वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर। अब क्या करना है, लीफ को ठंडे पानी से आप धो लीजिए, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, और उसके बाद में कुछ बूंदें आयोडीन की उस पर हमें डालनी है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, जो लीफ है वो ब्लू से ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। कंक्लूजन है ये, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द लीफ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। यस, अगर किसी भी चीज़ में स्टार्च है और आप उस पर आयोडीन कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर, फाइन। सी व्हाट दे हैव डन, सबसे पहले इसको बॉयल किया, उसके बाद में इसको अल्कोहल के पानी में भी बॉयल किया, देन उसको ठंडे पानी में डाल दिया, फाइन। देन अब इसका स्टार्च टेस्ट किया, तो क्या किया, उस पर कुछ बूंदे आयोडीन की डाली एंड इट बिकम्स ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो इट शोज यस लीफ में स्टार्च होता है। स्टार्च होता है मतलब लीफ जो है वो फूड बनाती है एंड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ द स्टार्च। नाउ सी द एक्टिविटी टू। एम टू एग्जामिन दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये है, देखना हमें कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, फाइन। व्हाट डू यू नीड, लीफ, ब्लैक पेपर स्ट्रिप, बर्नर, एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कीप अवे द प्लांट फ्रॉम सनलाइट फ्रॉम वन डे। ओके, आपको एक दिन के लिए सूरज की रोशनी से उस पेड़ को हटा के रख देना है। कवर द मिडिल पार्ट ऑफ अ लीफ विद द पीस ऑफ ब्लैक पेपर। नाउ पुट द पॉट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इसमें क्या करना है, हमें ब्लैक पेपर लगा देना है इस पत्ती के ऊपर, और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आप उसको हमें लाकर कहाँ रखना है, सन में, जहाँ सन है। रिमूव द ब्लैक पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द लीफ, और थोड़ी देर के बाद में आप कुछ समय के बाद उस लीफ के ऊपर से उस ब्लैक पेपर के स्ट्रिप को, पट्टी को हटा देंगे। रिमूव द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इन द सेम मैनर, और उसी तरह से ग्रीन कलर को भी हमें रिमूव कर देना है जैसे पहले एक्टिविटी में किया था। कैसे किया था, सबसे पहले लीफ को बॉयल किया, उसके बाद में थोड़ी देर लीफ को किस में बॉयल किया, एल्कोहल में, और उसके बाद में उसको ठंडे पानी में डाला। तो ये प्रोसेस किया है इसके साथ में, जिससे कि उस लीफ का ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। अब उस लीफ पर हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के डालनी है। देन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द होल लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर एक्सेप्ट द पार्ट दैट वॉज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। देखिए, इस पर डाला गया आयोडीन, तो क्या हुआ, ये हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ, बाकी सारा पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, बट यहाँ पर नहीं हुआ था क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप लगी थी, ब्लैक पेपर लगाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँची। ओके, ब्लैक पेपर का क्या है, ब्लैक जो कलर होता है वो सन की रेज या सन की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता,
उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सन की रोशनी किसी भी फॉर्म में उसके अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट द पार्ट विच वॉज कवर्ड विद ब्लैक पेपर डिड नॉट गेट सनलाइट सो इट कुड नॉट मेक फूड। ये प्रूव करता है कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँची, जिसकी वजह से जब सनलाइट नहीं पहुँची तो वहाँ पर खाना नहीं बनाया गया। इट मीन्स वहाँ पर स्टार्च नहीं था। दस सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर यह प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की ज़रूरत होती है। वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी दैट इज़ गिवन इन द चैप्टर। परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी टू एग्जामिन दैट क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज़ एक्टिविटी 3, एम टू एग्जामिन दैट क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। वॉट डू यू नीड? अ कोलियस लीफ विद आयोडीन सोल्यूशन। ओके, एक कोलियस लीफ की ज़रूरत है जो आयोडीन सोल्यूशन के साथ हो। टेक अ लीफ विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ग्रीन लाइक अ कोलियस लीफ। तो आपको एक कोलियस लीफ लेनी है जो पूरी तरह से ग्रीन कलर की नहीं होती है। पुट द लीफ ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑन इट। उसको आपको क्या करना है, एक वाइट शीट पेपर पर रखना है और उसके वाइट और नॉन वाइट पार्ट को क्या कर देना है, मार्क कर देना। रिमूव द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ एज अर्लियर बाय बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन एल्कोहल। जैसे हमने पहले किया था, इसको डी कलर करना है, मीन्स उसका जो ग्रीन कलर है उसे हमें हटाना। वॉश द लीफ एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। आप उस पत्ती को फिर वॉश कर लीजिए एंड देन उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। चेक विद द हेल्प ऑफ पेपर विच पार्ट्स टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। अब आप इसमें देखो कौन सा पार्ट है जो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है, तो ये पार्ट, और ये पार्ट पहले ग्रीन कलर का था। यस, सो ग्रीन कलर का था। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल का वाला पार्ट ही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ, मतलब इतने में ही स्टार्च था, बाकी हिस्से में जो ग्रीन नहीं था वहाँ पर स्टार्च नहीं था, मतलब वहाँ पर खाना नहीं बना। तो इसका मतलब उस हिस्से में क्लोरोफिल नहीं था, जब क्लोरोफिल नहीं था तो वहाँ पर फूड नहीं बना। इट मीन्स क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है लीफ को फूड बनाने के लिए। ओके, ऑब्जर्वेशन, द पार्ट्स विच वर ग्रीन शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द नॉन ग्रीन पार्ट डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर। जो ग्रीन नहीं था उसमें कुछ चेंज नहीं आया। दस वी सी दैट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नाउ सी, दिस द फिल इन द ब्लैंक्स एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ। जो लीव्स होती हैं वो किसकी हेल्प से खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, एयर एंड क्लोरोफिल। ओके, द लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जो फ्लैट पार्ट होता है वो लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाता है। देन द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द लीफ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। The plant gets carbon dioxide from air through stomata. Now the next topic is interdependence of plants and animals. Plants and animals need each other in many ways. Plants और animals को एक दूसरे की ज़रूरत होती है अलग अलग तरीकों में। Animals get food from plants. Animals को food मिलता है पेड़ों से। Some animals eat grass and green leaves of plants. कुछ animals जो हैं green grass को खाते हैं या green पत्तियों खाते हैं। Many animals also eat grains and other products of plants. बहुत सारे animals हैं जो greens means अनाज खाते हैं या और चीज़ें जो पेड़ों से मिलती हैं उन्हें खाते हैं। Animals need oxygen for breathing. Animals को oxygen की ज़रूरत होती है breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए, which they get from plants as a result of photosynthesis. तो ऑक्सीजन बेसिकली पेड़ों से ही बनता है, और एनिमल्स को भी ब्रीद इन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये
बनता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में। दस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यही है ना कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड और ऑक्सीजन के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। एज यू नो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सिंस एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, जबकि एनिमल और ह्यूमन जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और पेड़ों पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, एनिमल और ह्यूमंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो एनिमल्स और ह्यूमंस क्या हैं? कंज्यूमर्स, और प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और इन्हें ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, विच इज़ गिवन आउट बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमन्स ब्रीदिंग के प्रोसेस में बाहर निकालते हैं, मतलब ये एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दस वी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली फॉर द नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड करते हैं। सो द बैलेंस इन नेचर, तो नेचर में कैसे ये बैलेंस बना हुआ है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अलग अलग तरीके से। एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते समय बाहर निकालते हैं, विच इज़ टेकन बाय प्लांट्स, जो कि पेड़ों को ज़रूरत होती है टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, प्लांट से ऑक्सीजन बाहर आता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दस नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेंटेन्ड इन नेचर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है नेचर में बना रहता है। नाउ देन लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फूड चेन। फूड मीन्स खाने की चेन बनी होती, कैसे? एज यू हैव लर्न द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जैसे आपने देखा है कि एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए। दे फॉर्म अ फूड चेन इन द नेचर, तो इसकी वजह से एक फूड चेन बनता है नेचर में। द एक्सिस्टेंस ऑफ फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। इस फूड चेन की वजह से ही नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस इन नेचर रिफर्स टू डिजायरेबल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग इन द नेचर। इस बैलेंस की, ये बैलेंस जो है वो क्या दिखाता है कि डिजायरेबल नंबर ऑफ प्लांट्स, जितनी ज़रूरत है उतने प्लांट्स उतने एनिमल्स ही नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फूड चेन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, दिस इज द कॉर्न। ये कॉर्न है जिसे कॉर्न खाता है माउस, इस कॉर्न को माउस खाता है, और इस माउस को स्नेक खा लेता है, ठीक है, और इस स्नेक को आउल खाता है। सो इट मीन्स इस तरह से बैलेंस बन जाता है नेचर में फूड का, क्योंकि इसका फूड स्नेक है तो इसका फूड माउस है तो इसका फूड कॉर्न है, और इस तरह से कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। देयर इज़ अ प्रॉपर बैलेंस ड्यू टू दिस फूड चेन इन द नेचर।